क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग श्रीमती आस्था जैन उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, जो वो पढ़ाई अभी कर रहा है, जो जज का एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें सफलता पाने के लिए, उनका स्वप्न पूरा होने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करते हैं। और उनका पापा के लिए, उसका श्रीवार के लिए, पति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ मत्यास मिंज भावी दरागर से उनका स्वस्थ लाभ के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अंबी कपूर से आनंदिनी उनका बेटी का जो मेडिसिन जो पढ़ाई में मदद यूनिवर्सिटी से आना जरूरत था, वही मदद जल्दी से मिली और उनका सफलता में भी आगे बढ़ सके, पढ़ाई में आगे बढ़ सके। और जिंगो से अरुण टिक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी जहाँ से भी अच्छी लड़की उनके शादी होने के लिए, जो अभी रिश्ता हो रहा है उसमें भगवान का हो जा योजना हो और शादी पूरा होने के लिए, और जो भी प्रमोशन के लिए नया नौकरी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं उसमें भी माँ मरियम का आदर्श मदद देने के लिए, आशीष देने के लिए इसमें सावरिदान में प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ ये बसवार पुण्य क्षेत्र में जितना लोग माँ मरियम के पास आके अपने व्यक्तिगत मतलब छोड़ते हैं उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और भर मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सत संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ
क्या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू हमारे दीना यातना स्वीकार कर, हमको सहायता देगी। आज दिन भर हमारा साथ रहे, हमारा हर काम में आप आशीष प्रदान करें, ताकि हर काम में हर सफलता में आपका आशीष अनुभव करें और प्रिय पुत्र प्रभु ख्रीस्त को हम साक्षी बन सके। ये सब मांगते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 25-8-6 तक। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाचक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाचक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं, यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाचक नियुक्ति करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाचक नियुक्ति किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसे प्रधान याचक है जो स्वर्ग में महिमामय के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाचक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्ति किया है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वह याचक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याचक विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रकृति और छाया मात्र है, यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो कि जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो सेवा कार्य मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. प्रभु आप लोगों
के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्क के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, योर्दन के उस पार और तीरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचाने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवात करते और चिल्लाते थे, अब ईश्वर के पुत्र है, क्योंकि वह उन्हें यह चेतवानी देते थे कि तुम मुझे क्यों मत करो, मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त के जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। आज का सुसमाचार पहले पाठ में हम लोग प्रभु यीशु का उसको पुरोहितायक जीवन के बारे में बात करते हैं। दुनिया में मेलकिसदेक जैसे महायाजक सबसे, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, सबसे बड़े मेलकिसदेक उनका ऑर्डर है, मेलकिसदेक है। लेकिन आज का पहले पार्ट में हम लोग सुनते हैं जो भी ये दुनिया में पुरोहित लोग है अपने परिशुद्धता को बचाने के लिए और लोगों को भी पवित्रता पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, प्रभु का आशीष उनको ऊपर लाने के लिए हर दिन प्रार्थना करना था, याग चलाना था और धन्यवाद का प्रार्थना चढ़ाना जरूरत पड़ता था। लेकिन आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं प्रभु यीशु ने अपने पवित्रता को कड़ा करने के लिए और ऊपर से आशीष मिलने के लिए हर दिन का प्रार्थना करना, कृतज्ञता प्रार्थना करना, धन्यवाद का प्रार्थना करना कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि खुद वही से अपने से है पवित्रता उत्पन्न होता है। सबसे उत्तम याचकता प्रभु यीशु, उसी का उदाहरण लेकर हम सभी लोग उनका याचकत्व में, उनका पुरोहिताय जीवन में भाग लेने के लिए माता कलीसिया संदेश देती है, आओ देती है। देखते हैं हम लोग, जैसे मैं पुरोहित हूं, मैं प्रभु यीशु से संबंध रखने के लिए, उसी से पवित्रता में, उसका याचकत्व में भाग लेने के लिए मैं उनका काम करना पड़ा। प्रभु यीशु जो बुलाहट के लिए मुझे बुलाए वही काम में मैं पूर्ण दिल से भाग लेने के लिए यहां आया हूं। इसी तरफ हम भी प्रभु का पवित्रता में भाग लेने के लिए, उसका याचकत्व में कोई जरूरत नहीं है, पुरोहित ही केवल प्रभु का काम कर सकते हैं, नहीं अन्य लोग भी, साधारण मनुष्य लोग भी, इंसान लोग भी प्रभु का काम कर सकते हैं। उसमें पुरोहिता का आशीष से बना हुआ काम है, सेवा का काम है। मदर तेरेसा इतना सेवा किए है, वो भी प्रभु का काम है। इसे हम सबों के ही प्रभु का प्यार दिखाने के, प्रभु का काम में भाग लेने के बुलाहट होता है। आज का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु ने लोगों से बचाने के लिए इतना लोग प्रभु के ऊपर गिरते थे ताकि उनके पास कम से कम उनका कपड़ा को चुनने से भी हमको चंगा मिल जाए, यही बोलना चाहता हूं। चुनने से देख लेते हम लोग, बिजली देखते हैं,
बिजली को हम लोग अपनाने के लिए, लाइट उत्पन्न होने के लिए जाके एकदम बंद, थोड़ा सा सुनने से भी बिजली उत्पन्न होता, तो पास होता है। इसी तरह भी अगर हम भी प्रभु का महिमा में, प्रभु का पवित्रता में चमकना चाहे तो हम भी क्या प्रभु का पवित्रता को चुनना चाहिए। कैसे चुनेंगे? अब प्रभु हमारे सामने शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन एक ही साधना है प्रभु से हम कैसे, हमें से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा प्रभु से हम लोग हमेशा सुन सकते हैं, उसके हमें से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम लोग? अपने बातों के द्वारा, ताकि जो पवित्रता प्रभु में याजक रूप में, याजक रूप में उसके पास है, प्रभु क्रिस्तु पुत्र परमेश्वर का रूप में उसका पवित्र में उत्पन्न है, वही आज हम सबों को भी पास हो सकते हैं, हम भी चंगा हो सकते हैं। आइए हम भी अभी प्रभु का, प्रभु को शारीरिक रूप में टच नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते, लेकिन आध्यात्मिक रूप में हमेशा टच में रह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, अगर आने वाले काल में पुनर्जीवित होकर शरीर और आत्मा के साथ आपके साथ रहने के लिए अभी मेरा आत्मीय काम से आपसे टच रहूंगा, आपसे हमेशा लगे रहूंगा, ताकि आने वाला काम बेबी में हमेशा आपके साथ रह सकूं। बल्कि इस मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपकी हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु दयामय ईश्वर, जो उपहार अभी इस वेदी पर हम लोग चढ़ा रहा है उसको स्वीकार कीजिए। जैसे पवित्र आत्मा का प्रभाव से रोटी द्राक्ष प्रभु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बनता है, इस तरफ हम सबों को पवित्र आत्मा से पवित्र बना लीजिए, हमारा प्रार्थना को भी पवित्र बना लीजिए। सब मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिते है परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराध ठहराया, दया करके प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है, इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है, हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यहाँ पर अपने आत्मा के समस्त पवित्र करते कि हमारे प्रभु येशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाइए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरे लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने समूह को उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम जब जब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बनी रहे। प्रभु और हमारा संत पिता प्रांच समाज धर्माध्यक्ष पत्रास में और सभी याचकों के साथ विश्वभर में पहले हुए अपने कलिसिया की शुद्धि ले तथा इस प्रेमसिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आश्रय में पलों से जा चुके, उन्हें सभी मृतकों का अपना पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हमारा रिश्तेदार लोग जो भी ये दुनिया से छोड़कर प्रभु का दर्शन के लिए चले गए, उनका आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और इस पर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाज आता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु प्रभु बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रिय सम से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ दिया तो अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु ये सब कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Yeah.
जितना लोग यूट्यूब में देखकर प्रभु का आशीष के लिए तरस रहे हैं, सब लेते हैं भाग ले ले, उन लोगों का आशा स्पष्ट के लिए, उन लोगों का चंगा वरदान के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल प्रांत प्रवेश बचा में। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जैसे वह आदि में थी अपन कल तक सदा रहेगी आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे, जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे हे संत मरिया, हे संत जोसेफ, हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, सभी विश्वासों की आत्माएं क्रूस का चिन्ह